स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। तो हर बार की तरह इस बार भी कुछ मैं नया लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपने लैपटॉप के ऊपर ला सकते हैं। मीन्स कि आपके फ़ोन के अंदर जो चीज़ें चलती हैं वो आपको अपने फ़ोन या अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। इट्स मीन्स आपने कभी स्मार्ट टीवी देखा होगा, उसके अंदर आपको पता है कि कोई व्यक्ति दूर बैठ के अपने वाईफाई कनेक्शन के द्वारा अपने फ़ोन के डिस्प्ले को कंप्यूटर के डिस्प्ले के ऊपर लाता है। तो वही सिस्टम आप अपने कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं। ये किसी भी बिना किसी सॉफ्टवेयर या बिना किसी केबल के माध्यम से आप कर सकते हैं। वो किस प्रकार से आप करेंगे तो मेरी वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा इसके लिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर को ऑन करना है, फिर आपको क्या क्या सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहले इस स्टार्ट बटन के ऊपर जाना है और फिर आपको खोलना है सेटिंग। ठीक है, ये जो सेटिंग दिखाई दे रही है इसको आपको क्या करना है, ओपन करना है इस प्रकार से। अब ये ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक सिस्टम सेटिंग दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आपको बाकी किसी के अंदर नहीं जाना है, मैं आपको पूरा वे बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ। तो आपको जाना है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसी लाइन के अंदर आपको देखना है, इस लाइन के अंदर आपको नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, इसके ऊपर आपको जाना है और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सामने इस प्रकार का डिस्प्ले आ जाएगा कि प्रोजेक्टिंग टू द दिस पीसी। ये वाला ऑप्शन खुल जाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग में चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सम विंडोज एंड एंड्रॉयड डिवाइस कैन प्रोजेक्ट टू द दिस पीसी व्हेन यू से इट्स ओके, तो इस जगह आपको क्या करना है, ऑलवेज ऑफ की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पर अवेलेबल एवरीवेयर यहाँ पर इसको क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यदि फर्स्ट टाइम ओनली आपको एक बार ही करना है तो इसमें फर्स्ट टाइम ओनली रखना है, यदि आपको बार बार करना है तो यहाँ पर एवरी टाइम कनेक्शन इन रिक्वेस्टेड इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर रिक्वायर पिन फॉर पेयरिंग, आपको पिन बनाना है तो पिन के ऊपर क्लिक करना है, इसको ऑन करना, यदि नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ दिस पीसी कैन बी डिस्कवर्ड फॉर प्रोजेक्टर ओनली व्हेन इट्स प्लग इन इनटू द पावर सोर्स, इसका मतलब ये होगा कि यदि आपका पीसी किसी पावर सोर्स के अंदर लगा हुआ है तभी आपको कास्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को, तो उसको आपको ऑफ रखना है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर क्या सेटिंग करनी है। ये जो सेटिंग थी वो क्या थी, कंप्यूटर के लिए थी, आपके पीसी के लिए थी। अब पीसी में सेटिंग हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के डिवाइस के द्वारा आपको क्या करना है, कास्ट करना है इस स्क्रीन को। तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो अभी मैं आपको मेरा फ़ोन दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले के ऊपर आपको दिख रहा होगा मेरा फ़ोन। ये मैंने क्या अलग तरीके से कास्ट कर रखा है, इसलिए ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बिना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, बिना किसी केबल के माध्यम से आप अपने फ़ोन को अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले के ऊपर किस प्रकार से ला सकते हैं, इसके लिए मैंने ये फ़ोन आपको बताया है यहाँ पर। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, जैसे कि अभी जो चल रहा है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ये केबल से जुड़ा हुआ मेरा फ़ोन। अब आपको क्या करना है, फ़ोन के अंदर आपको फ़ोन, हर एक फ़ोन के अंदर अलग अलग प्रकार की सेटिंग आपको दिखाई देनी शुरू होगी। जैसे कि आप सैमसंग के फ़ोन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर स्मार्ट व्यू, या एमआई के फ़ोन के अंदर जाएंगे तो वायरलेस डिस्प्ले, इस प्रकार की सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको सब इसके नाम बता देता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, इसको सर्च करने में क्या होगी, सुविधा होगी। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं अभी आपको सेटिंग के अंदर लेके जाता हूँ, और आपको अभी मेरा जो फ़ोन है वो एमआई का फ़ोन है, इसको मैं किस प्रकार से कास्ट करता हूँ। तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, हर एक फ़ोन में अलग अलग प्रकार की सेटिंग मिलेंगी, आपको इस सर्च बॉक्स के अंदर आपको सर्च करना है। क्या क्या सर्च करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जैसे सैमसंग का फ़ोन है तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, स्मार्ट व्यू लिखना है, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी सेटिंग। यदि आपको दूसरा कोई फ़ोन है तो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि आप लिख सकते हैं स्क्रीन मिररिंग, ठीक है, और आप क्या लिख सकते हैं, वायरलेस डिस्प्ले,
और क्या लिख सकते हैं आप, कास्ट स्क्रीन, बहुत सारे ऑप्शन अलग अलग फ़ोन में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरे पास अभी MI का फ़ोन है तो मैं इसको MI के फ़ोन में आपको बता रहा हूँ। इसमें डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा होता है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मोड देख रखा है इसके अंदर जाना है आपको। मोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वायरलेस डिस्प्ले का। इस वायरलेस डिस्प्ले के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक फ़ोन में अलग सेटिंग दे रखी होगी, लेकिन एक्चुअली में होगा यही वायरलेस डिस्प्ले ही होगा। फिर इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है और फिर इसको आपको क्या करना है, ऑन करना है। आप जैसे ही ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन का जो वाईफाई होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जो आपका जो डिस्प्ले है या PC है उसका नाम यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है, या कोई स्मार्ट टीवी होगी तो भी आपका यहाँ पर नाम शो होगा, क्योंकि उसके अंदर भी यही सिस्टम होता है स्मार्ट टीवी के अंदर भी। या कोई प्रोजेक्टर के ऊपर, आजकल जो नए प्रोजेक्टर आ रहे हैं आपको, उसका फ़ोन को भी उसके ऊपर कास्ट कर सकते हैं, सब में यही सिस्टम चलता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये अब दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस प्रकार से। अब क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको कहीं पर भी अलाउ मांगे तो आपको यस करना है इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कि अभी मेरा क्या हो रहा है, कास्ट होना शुरू हो गया। आप देख चुके हैं कि अब मेरा फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो क्या हो चुका है, अपने PC के ऊपर आ चुका है। इस प्रकार से आप किसी भी फ़ोन को अपने किसी, जैसे कि आपको कोई वीडियो देखना है तो आप बड़ा कोई वीडियो देखना है तो आप अपने PC के ऊपर किस प्रकार देखेंगे, तो इस प्रकार से कास्ट करके आप इस फ़ोन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, YouTube वगैरह चला के आप जैसे TV के ऊपर जैसा दिखाई देता है उस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। आप किसी भी वीडियो को सर्च करके इस प्रकार से आप चला के देख सकते हैं। तो ये यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।